हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे अपने बाइक के क्लच प्लेट को बचा सकते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि लाइक बाइक के जो क्लच प्लेट्स होते हैं वो बहुत ही डेलिकेट होते हैं और उनको लाइक अच्छे से रख पाना मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि लाइक एक क्लच प्लेट का एक्चुअली में कितना लाइफ होता है। लाइक बहुत सारे लोग सर्विस सेंटर पे बोल देते हैं आपको कि यार 25,000-30,000 रुपये आपको क्लच प्लेट चेंज कर लेनी चाहिए, क्योंकि वही लाइफ होता है क्लच प्लेट का। बट सच तो ये है कि आपके जो कंपनी फिटेड जो क्लच प्लेट्स आपको बाइक में मिलते हैं वो आराम से 70-80,000 किलोमीटर चल सकते हैं, और अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे से अपने बाइक को रखिएगा तो 1,00,000 किलोमीटर भी वो क्लॉक कर देगी बिना किसी दिक्कत। तो यार ये एक छोटी सी चीज़ है जो बहुत लोगों को पता नहीं होता है, और उसकी वजह से वो सर्विस सेंटर पे बहुत बार उनको बोल दिया जाता है कि आपके बाइक के क्लच प्लेट ख़राब है। तो ये चीज़ मैंने सोचा आपको बता देता हूँ कि बाइक के जो क्लच प्लेट होते हैं उनका लाइफ कितना ज़्यादा होता है और आपको क्या बता दिया जाता है जिसकी वजह से आपके साथ दिक्कत होती है थोड़ी सी। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी। बात करें अगर आपकी बाइक के आप क्लच प्लेट को किस तरह से बचा सकते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे जो पहली और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपके क्लच का फ्री प्ले। तो फ्री प्ले क्या होता है कि अगर आपका इनिशियली क्लच हल्का सा फ्री प्ले नहीं दे रहा है, जैसे कि ये जो मूवमेंट है इसको फ्री प्ले बोलते हैं। अगर आपके बाइक के क्लच में फ्री प्ले नहीं है तो आपको उस चीज़ को ध्यान दे करके अपने सर्विस सेंटर पे या फिर लोकल मैकेनिक जिससे भी आप अपने बाइक पे काम करवाते हो उनको कह करके क्लच को थोड़ा सा लूज़ करा लेना चाहिए, क्योंकि उससे होता क्या है कि आपके जो क्लच प्लेट्स हैं वो एक्टिव रहते हैं। अगर फ्री प्ले नहीं रहेगा और आप अगर हल्का सा ऐसे भी आप फिंगर रखोगे ना ऐसे, तो भी आपके क्लच इंगेज रहेंगे जिससे आपकी बाइक हाफ क्लच पर चलेगी, और उसकी वजह से आपके क्लच प्लेट्स घिसेंगे ही घिसेंगे। आपके क्लच प्लेट को घिसने से कोई नहीं बचा सकता, इसलिए आपके बाइक में 1-2 सेंटीमीटर का फ्री प्ले बहुत ज़रूरी है। और ये आपके ओनर मैनुअल में भी लिखा हुआ है, अगर आप मैं फ़ोटो अटैच कर दूंगा, लिखा हुआ रहता है। तो ये चीज़ आपको मैकेनिक को बोल करके ठीक करा लेनी चाहिए अगर आपके बाइक में फ्री प्ले नहीं है तो ये सबसे पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है बाइक को चलाते वक्त सडनली क्लच रिलीज़ करना। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बाइक को चलाते वक्त सडनली से क्लच को रिलीज़ कर देना। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब आप चलाते चलाते, जैसे कि जब आप बाइक चला रहे होते हो और आप क्लच लेते हो, गियर चेंज करते हो और ऐसे छोड़ते हो धीरे से, उससे इशू नहीं है, लाइक उससे जेन्युइनली इशू नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे करते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। और एक और चीज़ इसमें एडिशन में मैं ये बताऊंगा कि जितने भी लोग क्लच रिलीज़ करते हैं कि बाइक को हायर आरपीएम्स पे रेव किया उसके बाद क्लच को छोड़ दिया, उससे भी आपके क्लच प्लेट्स डैमेज होते हैं। और ये भी है कि जितने लोग रिलीज़ कर रहे हैं उनको ये बात पता भी होगी। तो वैसे करने पर आपका 4-5 हज़ार में आपका क्लच प्लेट घिस जाएगा और उसके बाद फिर आपको वही सर्विस सेंटर के चक्कर लगाओ। तो ये एक चीज़ है जो आपको ध्यान देनी है। लाइक अगर आपको व्हीलीज करनी है तो यार पावर व्हीली तो इस बाइक में होगी नहीं। लाइक आपको पावर व्हीली अगर करनी है, व्हीली का बहुत ज़्यादा मन है, तो फिर आपको 390 प्रीफर करना पड़ेगा, क्योंकि वही है कि इनिशियली बहुत उसमें टॉर्क है तो आप पावर व्हीली कर सकते हो उससे, लेकिन इस बाइक में तो नहीं हो पाएगा। तो ये था मेरा सेकंड पॉइंट। बात करते हैं अब थर्ड पॉइंट के बारे में। तो थर्ड पॉइंट बताने से पहले हम लोग बाइक चलाते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो अभी मैंने जिस तरह से बाइक को उठाया वही है आपका सेकंड पॉइंट। तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से, या फिर आप वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हो ये चीज़। सेकेंड पॉइंट ये है कि बहुत लोगों को आलस आता है गियर चेंज करके बाइक को आगे बढ़ाने में। लाइक जैसे कि बाइक आपकी इनिशियली खड़ी है तो उनको आलस आ रहा है कि बाइक का हम सेकेंड गियर पे, आलस आ रहा है कि बाइक को सेकेंड गियर पे नहीं फर्स्ट गियर पे ले जा करके बाइक को बढ़ाए। वो क्या करेंगे, हाफ क्लच देंगे, एक्सेलेरेटर देंगे और बाइक को बढ़ा लेंगे।
तो आपका ये आदर्श आपकी जेब पे बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि इससे भी आपके बाइक के क्लच प्लेट घिसते हैं। क्योंकि हाफ क्लच में होता क्या है कि आपकी क्लच की दूरी होती है लेकिन थोड़ी सी दूरी पे होती है, तो जब आपकी बाइक आगे बढ़ेगी तो वो घिस जाएगी। इसलिए भाई आलस मत दिखाओ, थोड़ा सा दम लगाओ, थोड़े से पैर हिलाओ और गियर को पहले गियर पे ले जाओ फिर उठाओ। क्योंकि इनिशियली जब आप सेकेंड या थर्ड गियर पे बाइक को मूव कराते हो तो क्लच प्लेट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है कि यार बहुत आलस आ रहा है चलो थर्ड गियर पे ही बाइक को उठा लेते हैं, तो ये आपको नहीं करना है किसी भी केस में। तो यही था हमारा थर्ड पॉइंट। बात करें अगर हमारे फोर्थ पॉइंट के बारे में, तो ये सभी लोग करते हैं, लाइक सभी इसे मतलब मैक्सिमम लोग करते हैं, वो क्या है, क्लच ले लेना, एक्सेलरेट करना, रेव करना, पब्लिक रिएक्शन मिलना। तो ये करके आप क्लच प्लेट की बजा रहे हो, लाइक जेन्युइनली बजा रहे हो। क्योंकि होता क्या है, जब आप क्लच लेते हो तो आपके जो क्लच प्लेट होते हैं वो थोड़े थोड़े से डिस्टेंस पे आ जाते हैं, लेकिन वो फिर भी इस डिस्टेंस पे रहते हैं कि वो घिस सकते हैं। और आप क्या करते हो, पहले तो आप क्लच ले लोगे उसके बाद रेव करोगे, उससे सिंपल तरीके से क्लच आपस से दूर हो जाते हैं बट इतने दूर नहीं होते हैं कि वो घिसे ना। तो ये भी एक तरीका है जिससे आपके क्लच प्लेट घिस सकते हैं, और घिसेंगे तो आपके पॉकेट पे महंगा तो पड़ेगा। तो ये भी एक हमारा फोर्थ पॉइंट था, और ये जनरली सभी लोग ही करते हैं जिन जो एग्जॉस्ट लगाते हैं, लाइक रेव करना है, रिएक्शंस लेना है, तो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके पास। समझ रहे हो आप। फिफ्थ पॉइंट भी हमारे आलसी लोगों के लिए ही है, या अब मैं उन्हें आलसी बोलूं या फिर ये बोलूं कि जो लोग फ़ोन पे बात करते करते एक हाथ से फ़ोन पे बात करते हैं और वैसे बाइक चलाते हैं, और वो ये है कि बिना क्लच लिए गियर को चेंज कर देना। तो अब आप कहोगे कि यार हमें तो रेव मैचिंग आती है, हम डाउनशिफ्ट भी कर सकते हैं और अपशिफ्ट भी कर सकते हैं। तो जो भी लोग ये सोच रहे हैं, लाइक बहुत अच्छी बात है अगर आपको ये आती है, ये राइडिंग स्किल्स सभी को आनी चाहिए, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्हें ये चीज़ें नहीं आती हैं और वो ऐसे गियर चेंज करते हैं ऐसे या फिर ऐसे। ये तरीका बाइक का गियर चेंज करने का बहुत ही गलत है, और इसके वजह से भी आपके क्लच प्लेट घिसेंगे। क्योंकि होता क्या है कि जब आप क्लच लेते हो तो प्लेट्स दूर होती है, उसके बाद जब आप डाउनशिफ्ट करते हो तो प्लेट्स आपस में घिसती नहीं है। उसके वजह से होता क्या है कि गियर जो डाउनशिफ्ट या अपशिफ्ट होता है वो बहुत स्मूथली होता है, लेकिन आप क्या करते हो, बिना क्लच लिए थक से गियर डाउन, और आपको उसमें आवाज़ भी आती है कि बाइक आपकी खट 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 करके आवाज़ कर रही है, बट आप फ़ोन पे लगे हुए रहते हो और उस पर आप ध्यान नहीं देते हो। और उसके बाद वो भी कहता है कि भाई ध्यान तो तुझे देना पड़ेगा, और उसके बाद 7,000-8,000 का फटका आपको पड़ जाता है। तो ये चीज़ है जिस पर आपको ध्यान देनी है। तो ये 5 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा मेजर है, और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे कि वो भी मैं मेंशन कर देता हूँ कि अगर आपके क्लच में फ्री प्ले नहीं होगा और आप बाइक को बहुत लंबे दूरी तक चला दो, लाइक जैसे कि कहीं निकल जाओ, मतलब 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 200-250 किलोमीटर ऐसे कहीं निकल जाओ, तो उस केस में भी आपके क्लच प्लेट्स ख़त्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि फ्री प्ले नहीं है तो आपके बाइक चलेगी हल्की हाफ क्लच पे या फिर हाफ क्लच से थोड़ा सा ज़्यादा, बट चलेगी वो क्लच के ऊपर ही, और उससे होगा क्या कि आपके क्लच प्लेट घिस जाएंगे और आपकी क्लच प्लेट पूरी गर्म हो करके, वो पूरी हीट हो करके ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद आपने सुना भी होगा कि लाइक कोई बंदा कहीं गया बहुत दूर राइड पे और उसने कहा कि यार भाई क्लच प्लेट फूक गई मेरी, तो उसका यही रीज़न होता है कि उनके बाइक में फ्री प्ले होता नहीं है, और उसके बाद फ्री प्ले नहीं होने की वजह से वो पूरा, क्योंकि ये ऐसे चलेगी बाइक हल्की फंस करके और फ्री प्ले नहीं होने की वजह से वो घिस जाएगी। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी। उसके बाद एक और चीज़ कि कंपनी में भी आप सर्विस सेंटर्स वालों को जानते हो, वो बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को, वो कह देंगे कि यार 25,000 किलोमीटर चल गई है, क्लच प्लेट चेंज कर दो, तो भाई वहाँ पर आपको थोड़ी सी सावधानी दिखानी पड़ेगी कि भाई तू रहने दे, मत कर,
अगर आपको पता है कि हाँ भाई आपने अच्छे से बाइक की है तो वो आपको पता चल जाएगा, अगर आपका क्लच वेट ख़राब होगा तो। नहीं तो सर्विस सेंटर वालों को काम है बेवकूफ़ बनाना, वो बनाएंगे ही। आज से यामाहा में तो ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है, और जहाँ हुआ है मैं मेंशन नहीं करूँगा वीडियो पर ठीक है। और एक चीज़ ये है कि जब भी आप क्लच प्लेट चेंज कराओ, जब भी आपके क्लच प्लेट चेंज हो रहे हो, तो ये ज़रूर से ध्यान से अपने मैकेनिक को बता देना कि भाई क्लच प्लेट सही लगाना। कभी कभी होता क्या है, वो क्लच प्लेट उल्टा लगा देते हैं या फिर उसकी जो फिटमेंट है वो गलत कर देते हैं, उसके वजह से भी आपके क्लच प्लेट घिस जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे जल्दी। तो ये एक चीज़ पे आपको ध्यान देना है अगर आप क्लच प्लेट चेंज करा रहे हो तो। और क्लच प्लेट जब भी चेंज होगी तो आपका इंजन ऑयल भी चेंज होगा ही होगा, भले आपने 50 किलोमीटर पहले ही क्यों नहीं आपने क्लच प्लेट चेंज कराए हो। अगर आपका क्लच प्लेट चेंज हो रहा है तो आपको इंजन ऑयल चेंज कराना होगा, तो इस चीज़ पे भी आपको ध्यान देना है। तो यार यही थी छोटी सी वीडियो जिस तरह से आप अपने क्लच प्लेट बचा सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर से करना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो यार इस छोटी सी वीडियो में इतना ही, अगर आपको और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड राइड सेफ।